लीजिए दोस्तों, इस समय त्यागराज स्टेडियम दिल्ली से मैं गजानन आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ऑल इंडिया सिविल सर्विस टूर्नामेंट 2023-24 गुजरात और इस समय आंध्र प्रदेश के बीच मैच शुरू होता हुआ, जिसमें गुजरात के कप्तान ने टॉस जीता और चॉइस रेड रखा। पहली रेड के ऊपर देखिए इस वक्त गुजरात, पॉइंट की तलाश जया जो टीम के कप्तान, पहली रेड सुरक्षात्मक रवैया बगैर किसी पॉइंट के। और इस वक्त आंध्र प्रदेश आगे बढ़ता हुआ, सुमा कॉर्नर पे टच करने की कोशिश और यहां लीजिए पॉइंट के साथ शुरुआत की है, एक पॉइंट अर्जित करता हुआ आंध्र प्रदेश 1-0 से आगे इस वक्त। और अब गुजरात जरूर पॉइंट की तलाश होगी, दाएं कॉर्नर से एक बार फिर अंडर प्रेशर, थोड़ा सा दबाव शुरुआती क्षण खेल के, 1-0 से पीछे इस समय भले ही टॉस गुजरात की कप्तान ने जीता, लेकिन यहां शुरुआत आंध्र प्रदेश की अच्छी। और यहां झपट्टा मारा है कॉर्नर के ऊपर, सीने को छूते हुए वापस यहां एक और पॉइंट मिलेगा। जी हां, गुजरात को दूसरा झटका इस वक्त, 2 पॉइंट कुल मिलाकर 3-0 से पिछड़ता हुआ मुकाबले में, टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा पाया और तीसरा रेड है, इसलिए यहाँ पॉइंट हर हाल में चाहिए, डू और डाई लेकर। इस समय गुजरात की बेहतरीन रेडर दक्षा, देखिए कौशल में तो दक्ष हैं, लेकिन यहाँ देखते पॉइंट अर्जित कर पाते हैं कि नहीं। 30 सेकंड में ही वापस लौटना होगा, जो जो समय बढ़ रहा है दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश और शानदार तरीके से टैकल किया यहाँ पे थाई होल्ड, और इस प्रकार से चौथा पॉइंट इस वक्त आंध्र प्रदेश के अंगना में। अच्छी शुरुआत इस समय टॉस हारने के बाद आंध्र प्रदेश की, और सुपर टैकल में फंसता हुआ इस समय गुजरात। गुजरात की झोली में कोई पॉइंट नहीं आया अभी तक, पहले पॉइंट की तलाश त्यागराज इंटरनेशनल स्टेडियम दिल्ली से इस वक्त। सभी का हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन, और झपट्टा मारने की कोशिश, एक पॉइंट मिलना चाहिए। जी हाँ, इस समय 5वां पॉइंट अर्जित करता हुआ 5-0 से आगे गुजरात इस समय चरमराता हुआ शुरुआती समय में, सुपर टेकल में है, हर हाल में पॉइंट चाहिए वापसी के लिए। आंध्र प्रदेश मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता हुआ पारोल इस समय, देखते हैं 4 नंबर जर्सी में क्या पॉइंट दिला पाएगी गुजरात को। खामोश कदमों से ही वापस, खामोशियां नजर आती हुई, और सुपर टेकल में कैच किया है, यहाँ मौका है इस वक्त, और ये लीजिए काफी, और लक्ष्य तक पहुंच गई आखिर, नहीं रोक पाए। एक बार लगा कि सुपर टेकल में अच्छा कार्य करेगा गुजरात, लेकिन ऑल आउट चौका जड़ दिया है, बहुत ही खूबसूरत। आमतौर पे क्रिकेट के मैदान में आपने चौके जरूर देखे होंगे, खासकर जो विश्व कप चल रहा है उसमें, लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश ने गुजरात के सामने एक चौका जड़ दिया, और फिर से यहाँ बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया, गले से लगाकर एक और पॉइंट अर्जित करता हुआ 10 दहाई अंकों में पहुँचता हुआ इस समय आंध्र प्रदेश। और जितनी भी तारीफ करें उतनी कम, भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी महिला वर्ग का इस समय। सुमा 6 नंबर जर्सी में, और यहाँ मौका है इस वक्त गुजरात के पास खाता खोलने का, साइड लाइन से बाहर भेजा पुश करते हुए, हालांकि बोनस अर्जित करने में का 2 पॉइंट कुल मिलाकर, बोनस के साथ पॉइंट ही, इसी के साथ स्ट्रेटेजी टाइम आउट, बोनस लेकिन रेड राउंड। 4 मिनट के बाद खाता खोलने में कामयाब गुजरात, लेकिन उससे पहले ऑल आउट का सामना करना पड़ा 10-1 से आगे, माफ कीजिए 11-1 से आगे है इस वक्त आंध्र प्रदेश से। कॉर्नर पे देखिए इस समय भवानी मजबूत कॉर्नर के रूप में 5 नंबर जर्सी में, और दबाव बनाने में कामयाब गुजरात के ऊपर आंध्र प्रदेश से। एक बार फिर से दक्षा दबाव में देखिए, और बगैर किसी पॉइंट के ही वापस लौटना पड़ा, 10 अंक पिछड़ा हुआ मुकाबले में, और जो टाइम आउट लिया उसमें ज़रूर मंत्रणा रही होगी कप्तान की और टीम प्रभारी की, क्या गाइडलाइन का पालन कर पाएंगे देखते हैं आखिर। तवित्मा इस समय टच पॉइंट का दावा किया है और मिलेगा पॉइंट, जी हाँ 12वां अंक जाता हुआ इस समय
आंध्र प्रदेश के अंगना में 12-1 इस वक्त आंध्र प्रदेश। गुजरात दबाव में लगातार अच्छा प्रयास, पैर से छूने की कोशिश, कौशल दिखाते हुए इस समय महिला वर्ग में 2 मजबूत टीमें, लेकिन पलड़ा इस समय आंध्र प्रदेश का नैसर्गिक अंदाज में। 12-1 का स्कोर। गुजरात ताश के पत्तों की तरह ढेर, 4 मिनट के खेल में ऑल आउट का सामना करना पड़ा और यहां सुरक्षात्मक रवैया, शायद जोखिम नहीं उठाना चाहती। 6 के डिफेंस में बोनस ऑन, बहुत ही शानदार स्टेडियम और महिला कबड्डी की खूबसूरत बांधगी इस समय। ऑल इंडिया नेशनल सिविल सर्विस कबड्डी प्रतियोगिता 2023-24 है और यहाँ एक बार फिर से पॉइंट की तलाश। दक्षा 6 नंबर जर्सी में अभी तक कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाई है टीम के लिए, लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, पॉइंट अर्जित करना जरूरी। मध्यांतर में प्रयास किया लेकिन नाकामयाब, निर्धारित 30 सेकेंड में ही वापिस लौटना होगा। समय को मद्देनजर रखते हुए वापस लौटी दक्षा और यहाँ इस समय देखिए आंध्र प्रदेश 9 नंबर जर्सी में और यहाँ टच पॉइंट का दावा किया। जी हाँ, मिलेगा पॉइंट। करणनीति ने एक पॉइंट अर्जित किया, 13वां अंक, दो डायरेक्ट लेकर चले हैं इधर। यहाँ संकट में है इस वक्त, हर हाल में पॉइंट चाहिए, अदरवाइज रेडर आउट ही माना जाएगा। जो कबड्डी का रूल है वो यही कहता है। 2 खाली रेड जाने के बाद और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ, अच्छा कार्य किया। डो डाई में लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त आंध्र प्रदेश की, 14-1 से आगे अप्रत्याशित बढ़त के रूप में। श्री लक्ष्मी इसमें देखिए परिवर्तन के तौर पर रेड देखने को मिल रही, लगातार 4 के डिफेंस में इस समय दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन इतना आसान नहीं गुजरात के लिए वापसी करना। आंध्र प्रदेश ने जो चुनौती पेश की है बेमिसाल, कदमों का इस्तेमाल किया, तेजी से आगे बढ़ी है। इस समय देखते हैं 7 नंबर जर्सी में तारतम्यता, आक्रामक रेड दिखाने की कोशिश है, लेकिन खामोश कदमों से ही, खामोशियां ही हावी दिखाई दे रही इस समय गुजरात के ऊपर। 14-1 से आगे आंध्र प्रदेश और गुजरात पिछड़ा हुआ मुकाबले, पहले आपका खेल और यहां कैच करने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचता हुआ। 2-3 पॉइंट होने चाहिए, देखते हैं आखिर 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। शानदार मुजाहिरा, तारीफ करनी होगी गुजरात की सामने आंध्र प्रदेश की, लगातार गलती करता हुआ, कैच तो किया लेकिन सही प्रकार से टेकल नहीं कर पाया और लक्ष्य तक पहुंच ही गई थी आंध्र प्रदेश की बेहतरीन रेडर दक्षा, दमदार नजर नहीं आ रही। शारीरिक रूप से तो दक्ष नजर आ रही हैं लेकिन खेल उनका इतना दक्ष नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फॉर्म की तलाश, मजबूत डिफेंस के सामने नतमस्तक होता हुआ इस वक्त गुजरात, खामोश कदमों से ही कमबैक। गुजरात एक टीम प्लान के साथ उतरा मैदान में, माफ कीजिए आंध्र प्रदेश गुजरात के सामने, और बेहतरीन कैप्टनसी और बेहतरीन मुजाहिरा। सुपर टेकल, 2 का डिफेंस, आसान मौका और यहाँ चेहरे को छू लिया है, मानो आंखों से काजल चुरा लिया हो। एक और अंक, 2 डायरेक्ट लेके चला है अभी इस वक्त दक्षा, अंतिम खिलाड़ी, हर हाल में पॉइंट्स आइए नहीं तो इकलौती सामना नहीं कर पाएंगे फिर आंध्र प्रदेश की रेडर का। जोखिम के लिए जाना चाहिए, कम से कम बोनस तो मिले, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ बोनस दबा के रखा है, टच पॉइंट का दावा मगर नहीं, ईमानदारी का परिचय दिया स्वयं दक्षा ने ही। निर्धारित 3 सेकंड में ही वापिस लौटना होगा, यहाँ फॉलो करने की कोशिश लेकिन लक्ष्य तक पहुँच गए। इस प्रकार से 2 पॉइंट, यहाँ अच्छा कार्य किया, बड़ी देर के बाद ये पॉइंट आता हुआ गुजरात के अंगना में। एक बार फिर अठारह 3 का स्कोर इस वक्त।
इकलौती अंतिम बालिका इस समय दक्षा आत्मसमर्पण के रूप में यहां लेके दूसरी बार ऑल आउट किया है। इस प्रकार से मजबूत बढ़त की ओर 3 पॉइंट जाते हुए सीधे आंध्र प्रदेश की आंधी में सीए टायर स्ट्रेटेजी टाइम आउट। पहले हाफ में आंध्र प्रदेश का स्कोर है इस वक्त 22-3 यानी 19 अंकों की बढ़त। देखे नन्ही सी बालिका इस समय ये भी भविष्य में स्टार बनेगी। कदम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए हनुमानगढ़ से है, बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य। अच्छा नियंत्रण एक बार लगा, शायद लॉबी में चली जाएंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने जो खेल दिखाया है अविश्वसनीय। तवीतमा इस समय पॉइंट की तलाश में, जोखिम उठाने की खास जरूरत नहीं। 19 अंकों की बढ़त और बोनस अर्जित करते हुए इस समय तवीतमा 23 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ झपट्टा मारने की कोशिश कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आसान कार्य नहीं। समय केंजल इस समय आंध्र प्रदेश के कांटों में पॉइंट निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं। ऑल इंडिया सिविल सर्विस कबड्डी प्रतियोगिता 2023-24 जिसमें गुजरात और आंध्र प्रदेश आमने सामने। पहले आपके खेल में लाजवाब प्रदर्शन सुमा, गुजरात की बेहतरीन स्टार। दक्षा चले हैं फिर से, हौसले बुलंद होने चाहिए, जुनून चाहिए, एकाग्रता स्किल चाहिए, तभी आप पॉइंट निकाल सकते हैं सामने वाली टीम की थोली से। और यहां कैच किया है, लेकिन शानदार टेकल, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। आंध्र प्रदेश के लक्ष्य के बिल्कुल करीब थे और देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेकल किया, उतना ही बेहतरीन कैच। लगातार स्कोर में वृद्धि करता हुआ 3-24 के स्कोर में इस वक्त झपट्टा मारने की कोशिश 2 नंबर पे, लेकिन सुरक्षित। बोनस का प्रयास लेकिन आसान नहीं, खास जरूरत भी नहीं जोखिम उठाने की, क्योंकि पहले आपका खेल अब ज़्यादा नहीं बचा और बढ़त 21 अंकों की आंध्र प्रदेश के पास। आंध्र प्रदेश की आंधी के आगे गुजरात इस समय। पराजय की ओर हालांकि अभी दूसरा अब बाकी है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो सकता है। अनिश्चितताओं का खेल, दूसरे हाफ में जरूर कोशिश करेगा गुजरात वापसी की, लेकिन इस हाफ में देखे झूझता हुआ एक बार फिर खामोश कदमों से ही वापस जया। जया कोई पॉइंट नहीं अर्जित कर पाई, अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाई है अभी तक टीम की जो कप्तान है। लीजिए इसी के साथ हाफ टाइम मध्यांतर का समय। लगातार टीम पर भारी गुजरात टीम को गाइडेंस देते हुए, क्योंकि टीम ने जो गलतियां की उनसे सुधार करने की जरूरत है, तभी मैच में वापस आ सकता है गुजरात। दूसरा हाफ शुरू। सुमा पहली रेड लेके चले हैं, क्योंकि पहले हाफ में पहला रेड गुजरात का था और यहां बोनस का ट्राई, लेकिन क्लियर नहीं तो पॉइंट नहीं दिया जाएगा बोनस के रूप में। पूरा क्लियर करना जरूरी रूल के मुताबिक, इसलिए बगैर किसी पॉइंट के निराशा हाथ लगी। हाफ टाइम के स्कोर की अगर बात करें तो 21-3 का स्कोर थे, माफ कीजिए 24-3 का, 21 अंकों की बढ़त पहले हाफ में और दूसरे हाफ से भी शानदार टेकल के चलते एक अंक अर्जित करता हुआ आंध्र प्रदेश। तो जिस प्रकार से पहले हाफ में बेहतरीन शुरुआत की थी, उसी अंदाज में दूसरे हाफ में भी शानदार शुरुआत है। क्रांति समय देखिए, और झपट्टा मारा है लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, कपड़े पकड़ने का प्रयास किया है। यहां देखते हैं टेकल तो शानदार है, लेकिन आखिर नतीजा क्या रहता है निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी, कहीं तकनीकी रूप से पॉइंट नहीं गंवा दे आंध्र प्रदेश। डिफेंस काफी देर तक देखने को मिला, एक पॉइंट बिल्कुल रेडर को सेफ माना गया क्योंकि कपड़े पकड़ने की कोशिश की थी, और कहना चाहिए बिल्कुल सही डिसीजन, क्योंकि कपड़े एक नहीं 2 बार पकड़ने की कोशिश की थी और उसी से
रोकने में कामयाब रहे थे, अदरवाइज लक्ष्य तक पहुंच जाती क्रांति। और एक अंक की और क्रांति यहां देखने को मिली। कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ आंध्र प्रदेश का 26 जबकि गुजरात 3 पे रुका हुआ। बहुत धीमी और ख़राब शुरुआत रही, कछुए की चाल चलता हुआ इस समय। रफ्तार को बढ़ाना होगा, एक्सीलेटर पे पांव रखने की आवश्यकता इस समय गुजरात को। सोचा नहीं था इस प्रकार से चुनौती का सामना करना पड़ेगा आंध्र प्रदेश के सामने। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर लक्ष्य तक पहुँचते हुए आंध्र प्रदेश की बेहतरीन रेडर भवानी। जय माँ भवानी, कभी लाभ तो कभी हानि। 27वां अंक आंध्र प्रदेश के अंगना में और आंध्र प्रदेश के तूफान आगे उड़ता हुआ गुजरात इस समय देखे एक और शिकार किया है। लगातार लगभग हर राइड के ऊपर अंक अर्जित करता हुआ आंध्र प्रदेश से सुपर टेकल में फंसता हुआ इस समय। दूसरे हाफ में भी अब ऑल आउट की चुनौती, आसान नहीं होगा रोक पाना दो महिलाओं के लिए। और यहाँ आसानी से देखिए तवेती माँ ने पॉइंट अर्जित किया है। एक ऑल आउट लीजिए, दोनों को टच किया था और 4 पॉइंट ऑल आउट के साथ ही। इसके साथ बेहद मजबूत स्थिति में कुल मिलाकर 3 बार ऑल आउट कर चुका है आंध्र प्रदेश गुजरात को। पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट किया और दूसरे हाफ में देखिए करीब 3 मिनट के खेल में ऑल आउट करने में कामयाब। जबरदस्त, जितनी भी तारीफ करें शब्द कम पड़ जाएंगे आंध्र प्रदेश की टीम के लिए। लेकिन गुजरात ने जो खेल खेला उससे टीम पर भारी और गुजरात के प्रशंसक खुश नहीं होंगे। दक्षा झूझती भी इस समय आंध्र प्रदेश की आंधी में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय गुजरात। चाहे वो रडर की बात करें, डिफेंस की बात हो, ब्लॉक की बात हो, पुश की बात हो, हर मामले में काफ़ी पीछे। और यहाँ एक और पॉइंट गंवाता हुआ गुजरात। कैच करने का तरीका सही नहीं, इस प्रकार से धारा को बाहर भेज दिया। दक्षा चेहरे पे मुस्कान, लेकिन ये जीत की मुस्कान नहीं, जीत की तरफ इस समय आंध्र प्रदेश बढ़ता हुआ। 32-3 से आगे इस समय आंध्र प्रदेश। दक्षा झपट्टा मारने की कोशिश मगर एक बार फिर नाकामयाब। कोई खास मुजाहरा नहीं देखने को मिला, कोई बड़ा रेडर नहीं इस समय। और यहाँ कैच किया लेकिन पहली बार सफल रेड इस समय दक्षा के द्वारा। और ये चौथा पॉइंट संभवतया गुजरात की झोली में। बड़ी देर के बाद एक सफल रेड देखने को मिली दूसरे हाफ में। और दक्षा ने जितनी भी रेड लगाई ये पहला सफल रेड था उनका। भवानी 5 नंबर जर्सी में 32-4 के स्कोर में, यानी कि 28 अंकों की अविश्वसनीय लीड है इस वक्त आंध्र प्रदेश के पास। गुजरात झुकता हुआ इसमें और बोनस बटोरने में कामयाब। लीजिए अब 33 स्कोर बढ़ता हुआ। रफ्तार बहुत अच्छी है और लगभग हर रेड के ऊपर पॉइंट बटोरते हैं और डिफेंस के ऊपर भी शिकार कर ही लेते हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विस से टूर्नामेंट 2023-24 महिला वर्ग का इसमें देखिए कबड्डी मुकाबला चलता हुआ आंध्र प्रदेश और गुजरात आपने सामने। झपट्टा मारने की कोशिश लेकिन निराश, आशा में निराशा इस वक्त गुजरात की टीम को। जरूर सुधार की को जरूरत है और 2-3 मिनट के खेल में यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर वापसी की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आक्रामक खेल की जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं है गुजरात के पास। और यहाँ देखिए गंगा इस समय, गंगा को बाहर भेज दिया पुश करते हुए, अच्छा कार्य किया। इसी प्रकार से डिफेंस की जरूरत और रेफरी शायद पहली बार मुस्कुराए कि सफल रहा इस समय गुजरात। 5वां पॉइंट दक्षा, देखते हैं यहाँ 5 के डिफेंस में कैसे आगे बढ़ते हैं। बोनस ऑफ है क्योंकि 6 या 6 से अधिक की संख्या में ही बोनस निकाला जा सकता है, 5 या 5 से कम की संख्या में बोनस ऑफ रहता है। लेकिन दक्षा इस समय अंडर प्रेशर क्योंकि लगभग हर रेड के ऊपर निराशा हाथ लगी है, या तो पॉइंट गंवाए हैं या फिर खाली हाथ वापस लौटी हैं। सिर्फ एक रेड के ऊपर सफल रही थी जो पिछला रेड था। यहाँ मुस्कुराते हुए कहीं लूज कंट का पॉइंट ना गंवा दे। और अब देखिए क्रांति जो कि बेहतरीन इस समय कार्य करते हुए आंध्र प्रदेश के लिए 10 पॉइंट का दावा यहाँ पे नहीं।
थोड़ा सा डिस्टेंसिंग था कहीं ना कहीं मध्यांतर में, छूने की कोशिश की थी सीने के आसपास, लेकिन यहाँ पीछे से अटैक करने की कोशिश और पॉइंट गंवाया है। अंपायर का फैसला एक अंक आंध्र प्रदेश को जाता हुआ, जी हाँ चार नंबर को बाहर भेजता हुआ दक्षा डुओ राइडर लेके चली, क्योंकि इससे पहले दो राइडर सफल रही हैं, मतलब खाली रहे हैं सफल नहीं, जिसपे कोई अंक अर्जित नहीं किया था। और दो राइड के बाद तीसरा राइड हर हाल में पॉइंट अर्जित करना होता है। दक्षा छः नंबर की जर्सी में क्या बड़ी राइड यहाँ दिखा पाएंगी करोमरो की स्थिति में, बहुत मुश्किल, दबाव पहले से ही ज़्यादा और डोर डाई रेड का दबाव और ज़्यादा गहरा गया है। समय भी ध्यान रखना होगा निर्धारित, 300 का बोनस का अच्छा प्रयास मगर क्लियर नहीं। 26-27 सेकेंड बहुत कम बचे हैं समय और यहाँ पीछे से कैच कर लिया, जी हाँ अच्छा कार्य करता हुआ पुश करते हुए बाहर भेजा दक्षा को, हालांकि बोनस तक पहुँचे। कुल मिलाकर एक एक अंक दोनों टीमों की झोली में। गुजरात सुमा शानदार फॉर्म में, सुंदर प्रदर्शन, भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र गुजरात की लगभग हर खिलाड़ी।